जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज अपन चर्चा करने वाले अग्निपथ योजना क्या है और अग्निवीर कैसे बनेंगे और हमारी सेना की भर्ती अब किस तरह होंगी और देश में क्यों आंदोलन हो रहे हैं और देश के युवा क्यों नाराज है, इन सब बातों पर आज कम्प्लीट चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले जानते हैं अग्निपथ योजना क्या है। तो अग्निपथ योजना जो है, भारत सरकार ने 14 जून 2022 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के सामने इस योजना को लॉन्च किया था। ये योजना भारतीय सेना में भर्ती के लिए लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत जो भारतीय सैनिक जो अब भर्ती होंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अग्निवीर कहलाएंगे। और इस योजना के तहत जो भी सैनिक भर्ती किए जाएंगे वो 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना के तहत जो 4 साल के लिए सैनिक भर्ती किए जाएंगे उनको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी और ना ही कोई ग्रेजुटी दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो 4 साल के लिए सोल्जर भर्ती किए जाएंगे उसमें से 25% सोल्जर सेना में रहेंगे, जो कि अभी जिस तरह रहते थे उसी तरह वहाँ की 75% सैनिक सोल्जर्स को रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसके बारे में और जानकारी आप लोगों के बीच में देने वाला हूँ मैं। इस योजना के तहत अगर सैलरी की बात की जाए तो इसमें सैलरी का क्राइटेरिया क्या रहेगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इस योजना के तहत पहले वर्ष में अग्निवीरों को 4,76,000 रुपये सालाना पैकेज प्रदान किया जाएगा। इसके बाद ये पैकेज 4 वर्ष में 6,06.92 लाख हो जाएगा। अग्निवीरों को पहले वर्ष में प्रति माह 30,000 रुपये दिए जाएंगे और जिसमें से 30% यानी कि 9,000 रुपये पीएफ की राशि और 9,000 रुपये ही सरकार इसमें मिलाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आपका जो पेंशन ना मिलने की बजाय सीधा ये इकट्ठा अमाउंट 11.5 लाख के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं इसको टेबल के माध्यम से और अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगा। सैलरी के अलावा इनकी अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस सेम टू रहेगी जिस तरह अभी सिलेक्शन होता था, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल जो भी होता था, तो वो उसी तरह सिलेक्शन प्रोसेस इनकी रहेगी। इसके अलावा 25% सेना में रह जाएंगे और 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो उम्र क्राइटेरिया रहेगा जो कि पहले था 17.5 साल से लेकर 21 साल तक, तो इसमें भारत सरकार का मेन मोटिव है कि हमारा सेना जवान रहे, सेना में सभी लोग यंगेस्ट रहे, इसका एक मेन मोटिव ये है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी क्या लाभ है, क्या विशेषता है, इसमें सरकार की क्या रणनीति है, इसके बारे में एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को लॉन्च की गई है। इस योजना के माध्यम से वे सभी देश के युवा जो भारतीय सेना में हिस्सा लेना चाहते हैं वे अपना सपना पूरा कर सकते हैं। वो इसलिए कि 4 साल में ही सेना रिप्लेस हो जाएगी, युवा रिप्लेस हो जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सेना में जाने का मौका मिलेगा। और इस योजना के माध्यम से भारतीय सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी। ये भर्ती अग्निपथ योजना के अंतर्गत ही की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी, जो कि मैं पहले भी बता चुका था आपको। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत की गई नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना को मंजूरी सूक्ष्म मामलों को मंत्रिमंडल की समिति की बैठक के बाद ही लॉन्च किया गया था। सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च करने का निर्णय 14 जून 2022 को लिया गया था। और इस योजना को लॉन्च करने से पहले हमारे चीफ मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पहले प्रोजेक्शन पीरियड में भी रखा था। और प्रदेश के युवा इस योजना के संचालन में सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे, यानी कि जो देश के युवा हैं वो सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे, यानी 4 साल के बाद वो आर्मी के ट्रेनिंग से ट्रेंड रहेंगे और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी उनके पास 11.5 लाख से ऊपर का अमाउंट रहेगा, इससे वो अपना अगर स्टार्टअप करना चाहे तो स्टार्टअप भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और जानकारी देते हैं। अग्निपथ योजना के अंतर्गत आपको और क्या क्या पैकेज मिलेंगे और क्या क्या लाभ मिलेंगे इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। कुल वार्षिक पैकेज जो कि पहले भी बताया था मैं, लेकिन अब डिटेल में पढ़ते हैं। कुल वार्षिक पैकेज आपको
4.76 लाख एवं चौथे वर्ष आते आते ही आपको 6.92 लाख तक हो जाएगा। भत्ता अग्निवीर को सभी भत्ते प्रदान किए जाएंगे जो कि सेना को प्रदान किए जाते हैं, सिर्फ पेंशन को छोड़ के और ग्रेजुएटों को छोड़ के। सेवानिधि, प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% तक का योगदान देना होगा। सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान किया जाएगा, यानी जो कि सैलरी के कटेगा 30% उतना ही सरकार भी मिलाएगी। और ये 4 वर्ष पूरे होने के पश्चात अग्निवीर को 11.71 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी जो कि आयकर से मुक्त होगी। और मृत्यु पर मुआवजा अग्निवीरों को 44 लाख तो उनको डायरेक्ट मिल जाएगा और जो 4 लाख है तो वो इंस्टॉलमेंट के एक प्रोसेस के बाद, यानी टोटल लगभग 48 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस कवर रहेगा। ठीक है, अपंगता की स्थिति में भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित दिव्यतांग के अनुसार 44/25/15 इस तरह उनको दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कार्यकाल पूरा होने पर उनको पश्चात उनको सेवानिधि भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्राप्त कौशल का प्रमाण पत्र, उच्चतर शिक्षा के लिए क्रेडिट के प्रदान भी किया जाएगा। यानी कि वो मान लो कोई सपोज 10वीं से भर्ती होता, 10th पास करके भर्ती होता, तो उसको 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा आर्मी की तरफ से एक ब्रिज कोर्स करने के बाद। और इसके अलावा कोई युवा अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसको आगे पढ़ाई करने के लिए भी क्रेडिट एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के कुछ विशेष लाभों पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी और अग्निवीरों का चयन एक पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और देश के नागरिकों को आर्म फोर्स ज्वाइन यानी आर्मी ज्वाइन करने का योजना का पूरा संचालन का उनको लाभ मिल सकेगा। और अग्निवीरों को 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। नागरिकों को अच्छा वित्तीय पैकेज प्रदान किया जाएगा। ये सब योजना का लाभ है। ठीक है, निकासी के समय अग्निवीरों को हार्दिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा पूर्ण करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रदान की जाएगी। अन्य देशों में ट्रेनिंग पीरियड में इस योजना के कंपटीशन में कम रखा गया है और अग्निपथ योजना के अंतर्गत यदि किसी कैंडिडेट को परमानेंटली एनरोल हो जाता तो उस स्थिति में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मल्टीपल एनरोलमेंट मॉडल लागू किए जाएंगे जिससे कि अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। अग्निपथ की योजना के तहत अग्निवीरों को सैलरी के बारे में मैंने पहले भी बताया था, लेकिन मैं इस टेबल के माध्यम से आपको और थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए, इसमें फर्स्ट ईयर में 30,000 सैलरी मिलेगी और इन एंड सैलरी कितनी आएगी, 21,000 हाथ में आएगी और कंट्रीब्यूशन का 9,000 रुपये कटेगा और 9,000 रुपये ही सरकार मिलाएगी। और सेकंड ईयर में 33,000 हो जाएगा और फोर्थ ईयर में आते आते आपकी मंथली सैलरी 40,000 रहेगी और इन एंड 28,000 आएगी और 12,000 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन में कट जाएगा और 12,000 रुपये ही सरकार मिलाएगी। तो इस तरह लगभग 11.5 लाख से भी ऊपर रुपये का अमाउंट आपको रिटायर के समय मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और जानकारी बताते हैं आपके। अब ये तो सब बातें हो गई थी कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, वेतन भत्ते वगैरह क्या रहेंगे, ये सब बातें अपन ने जान ली। इसके बाद अभी जो देश के अंदर जो नाराजगी चल रही है, युवा कंफ्यूज हैं या कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहा है, अग्निकांड हो रहा है, इन सब के बारे में जानते हैं। जो युवा क्यों नाराज है, इसके पीछे क्या तर्क, एक एक चीज़ को देखते हैं। तो क्यों नाराज है, तो अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है ऐसा लगता है। तो वे सभी जो अग्निवीर जो उद्यमी बनने के लिए इच्छुक है उनको सरकार द्वारा वित्तीय पैकेज एवं बैंक लोन प्रदान किया जाएगा। यानी कि ऐसा लग रहा है कि अग्निवीरों का उनका भविष्य असुरक्षित है, तो उनका भविष्य असुरक्षित नहीं है। सरकार इस बात का आश्वासन दे रही कि यदि आप सपोज करो इसमें 17.5 साल से 21 साल के बीच में युवाओं को लिया जा रहा है, तो अगर कोई युवा 20 साल की अवस्था में भी अगर आर्मी ज्वाइन करता है उदाहरण के तौर पे, तो 24 साल होते होते रिटायर्ड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 24 साल में लोग बहुत से लोग नौकरी भी नहीं करते, तो उस स्थिति में 24 साल के बाद या तो किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जा सकता या जो पुलिस वगैरह रहती है उसमें जा सकता, UPSC की तैयारी कर सकता, और अगर बिजनेस करना चाहता है तो वो बिजनेस भी कर सकता है। उसके लिए सरकार बैंक लोन देने का भी आश्वासन दे रही है।
तो कहीं अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित नहीं है, लेकिन उसको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं और क्या भ्रांतियां हैं। और युवाओं को ये लग रहा कि उनको कम अवसर मिलेगा, ये भी एक तर्क है। तो उसके लिए भी सरकार वे कह रही है कि वे सभी नागरिक जो अग्निवीर यानी अग्निवीर बनेंगे वो, तो उनके लिए सशक्त सैन्य बल यानी पुलिस बल, जो कि मैं अभी पहले भी बताया था, पुलिस बल और भी जो सिक्योरिटी फोर्स रहती है उनको उनको उसमें प्रायोरिटी मिलेगी यानी रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक तर्क ये है कि सैन्य बलों की कार्य क्षमता कम होगी या प्रभावित होगी। तो उसमें सरकार का कहना है कि दुनिया भर के अधिकतर देशों में देश के नागरिकों की भर्ती सैन्य बलों में कम अवधि के लिए आती है। दुनिया भर के जो देश है उसमें जो सेना होती है वो कम समय के लिए ही अपॉइंट की जाती है। तर्क ये है कि कम आयु के सैनिक विश्वसनीय नहीं होंगे। तो इसके पीछे सरकार का कहना है कि विश्व भर में अधिकतम सेनाओं में युवा होते हैं और अग्निवीर योजना के संचालन से युवा एवं एक्सपीरियंस्ड यानी वरिष्ठ अधिकारियों को बराबर रेशो में सेना में शामिल किया जाएगा। यानी युवाओं का तर्क ये है कि कम सैनिक विश्वसनीय नहीं होंगे, मतलब जो कम अनुभवी सोल्जर्स रहेंगे कम समय वाले वो अधिक विश्वसनीय नहीं होंगे। लेकिन सरकार का तर्क है कि जो एक्सपीरियंस सोल्जर्स और जो अग्निवीर है उनका समान रेशो का अनुपात रहेगा, जिससे सेना में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये सब जानकारी अपन ने देखने के बाद अब बात करते हैं कि अग्निवीर योजना से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब अग्निवीरों को एक वर्ष में 30 एनुअल लीव एवं मेडिकल एडवाइस के अनुसार शिकले प्रदान की जाएगी, यानी 30 लीव के अनुसार उनको मेडिकल लीव भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सर्विस हॉस्पिटल के माध्यम से अग्निवीरों को मेडिकल फैसिलिटी भी प्रदान की जाएगी। अग्निवीरों को इंगेजमेंट पीरियड को पूरा होने से पहले रिलीज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये अनुमति कुछ एक्सेप्शनल केस में या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से ही प्रदान की जाएगी। इस स्थिति में सेवानिधि की राशि भी केवल अग्निवीर द्वारा ही किया गया है कंट्रीब्यूशन प्रदान किए, यानी अग्निवीरों की सैलरी से जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा और जो गवर्नमेंट जो मिलाएगी वो टोटल इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। सरकार द्वारा अग्निवीर कारपोस्ट फंड क्रिएट किया जाएगा, यानी सरकार भी उसमें फंड मिलाएगी और जिसमें अग्निवीर एवं सरकार द्वारा कंट्रीब्यूशन दोनों के द्वारा किया जाएगा। ये राशि अग्निवीर को 4 साल की अवधि पूर्ण होने के पश्चात प्रदान की जाएगी। अग्निवीर को किसी भी सरकार पीएफ में कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है और अग्निवीरों को किसी और पीएफ में कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अग्निवीर को किसी प्रकार की ग्रेच्युटी या पेंशन बेनिफिट नहीं प्रदान किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेन यही कारण है जिससे ज़्यादा विवाद की स्थिति बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये इस योजना के बारे में समझ में आया होगा और काफ़ी आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अपन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा देश के युवाओं से, आपकी नाराज़गी जायज़ भी है और आपकी नाराज़गी नहीं जायज़ भी है, तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप किसी भी हमारे देश की सामग्री को या संस्थाओं को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुँचे, आप जो आंदोलन करें शांतिपूर्ण ढंग से करें और समझदारी के साथ करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह नॉलेजेबल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।